causes of persistent depressive disorder, social. So now we will discuss about those causes which are social in nature, and mostly uh, the children who are having the persistent depressive disorder may experience those. Uh, problems wo hain, Uh, जिनको आप ये समझ सकते हो कि ग्रेव इन नेचर होती हैं और बहुत इजीली जो है ये चेंज नहीं हो सकती ठीक है, है तो सर्टेन टाइम दे टर्न टू बी अ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है सोशो इकनॉमिक स्टेटस का मोस्टली uh, जो बच्चे लोअर सोशो अकनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो बहुत सी मटेरियल्ट ग्स नहीं ले सकते अब चूंकि वो मटेरियलिस्टिक गेन नहीं ले सकते इसलिए इट मे पॉसिबल कि वो बहुत से सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करें उनका सेल्फ़ स्टीम लो हो उनको बहुत से लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े वो अपने आप को बहुत से लोगों से इन्फीरियर समझे तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स uh, हैं वो सर्टेन टाइम जो डिप्रेशन है उसको कॉज कर सकती हैं बच्चों के अंदर और चूंकि ये uh, जो लो सोशोकनॉमिक स्टेटस है ये एक स्टेबल फैक्टर है जो बहुत जल्दी uh, तब्दील हो सकता तो इस वजह से आप यह समझ सकते हो कि इस तरह के बच्चे जो इस तरह का स्टेटस आ, में होते हैं दे बेसिकली डिसऑर्डर फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि मोर ग्रेव इन नेचर हैं, जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन जो डिस्क्रिमिनेशन है आ, ये आमतौर पर आ, आप इसको यूं समझ सकते हो कि जिस तरह एथनिक माइनॉरिटीज जो हैं जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर तो वहाँ पर जब लोग डिफरेंट किस्म का एटीच्यूड लोगों का फेस करते हैं और लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर रेस ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर एथनिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर तो उन सब चीज़ों की वजह से बिकॉज ये ऐसे फैक्टर हैं जो स्टैटिक हैं जो स्टेबल हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते सो so, जब आप इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते दैन जो फील योर सेल्फ स्टक विध दीज तो जब आप उनके साथ खुद को स्टक फील करोगे तो बहुत हद तक होते हैं कि जो है वो किसी बच्चे के अंदर एग्जिबिट हो सके ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो क्रॉनिक बन सकता है इसके साथ साथ क्रॉनिक एक्डेमिक डिफिकल्टीज बच्चा है अगर वो किसी ऐसे एक्डीमिया के अंदर है जहाँ पर वो ओवरकम नहीं कर पा रहा या उसको वो सारी उसके अंदर स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं uh, है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न हो सकता है उसके पास uh, इतना uh, इतनी ज़्यादा कोई रिसोर्स ना हो जिससे वो हेल्प ले सके और अपनी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सके और जब वो बहुत अरसे तक अनिर्ड्रेस रहती हैं तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो सर्टेन टाइम डिप्रेशन में जा सकता है और प्रसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसको uh, उसकी बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकता है थैंक यू